ए गुड बुक कैन चेंज योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी किताब आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। बस एक छोटी सी शर्त यह है कि आपको उस किताब में लिखी हुई बातों को अच्छे से और खुले दिमाग से समझना होगा और उनमें से जो बातें आपको काम की लगे उसे आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना होगा। दोस्तों, अक्सर आपने सफल लोगों के किताबें पढ़ने के हैबिट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा और अक्सर वे लोग अपने इंटरव्यू में इस बात का ज़रूर जिक्र करते हैं कि कुछ किताबें थी, कुछ बुक्स थे जिन्होंने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। और दोस्तों, मैं खुद भी इस बात को अपनी लाइफ में देख चुका हूँ कि किस तरह से किताबें पढ़ने और उन किताबों से सीखी हुई बातों को जीवन में अप्लाई करने से कैसे जीवन कम्प्लीटली बदल जाता है। और मैं मानता हूँ कि अगर किताबों ने मेरी लाइफ को बदला है तो ये आपकी लाइफ को भी ज़रूर बदल सकती हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने उन 5 पर्सनल फेवरेट टॉप 5 बुक्स के बारे में जिनको पढ़कर और उन किताबों में बताई गई बातों का मेल मिलाकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ को काफ़ी हद तक पॉजिटिवली बदल सकते हैं और जीवन में मनचाही सफलता भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन टॉप 5 बुक्स के बारे में। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, और मेरी पर्सनल फेवरेट नंबर 5 पे जो बुक है वो है द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। जी हाँ दोस्तों, इस बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। और इस किताब को लिखा है मिस्टर टी हार्व एकर ने, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। और अगर बात करें कि आप इस किताब से क्या सीख सकते हैं, तो दोस्तों इस किताब में ऑथर मिस्टर टी हार्व एकर कहते हैं, अमीर लोग कुछ अलग काम नहीं करते बल्कि वे किसी काम को बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक तरफ जहां रिलायंस फ्रेश या कोई भी सुपरमार्केट्स फल और सब्जियां बेचते हैं और दूसरी तरफ एक किसान भी सब्जी या फल बेचता है, लेकिन आप देखेंगे कि एक तरफ जहां सुपरमार्केट का मालिक बहुत अमीर बन जाता है जबकि दूसरी तरफ किसान अपनी लाइफ में ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाता और बहुत अमीर नहीं बन पाता। तो अब इस छोटे से एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो मेन डिफरेंस क्या है, दोनों लोग फल फ्रूट्स और सब्जियां ही बेच रहे हैं तो आखिर उनमें डिफरेंस क्या है, तो जवाब है काम करने का ढंग। जी हाँ, वास्तव में काम करने का ढंग ही ये तय करता है कि आप कितना सफल बनेंगे और आप कितना अमीर बनेंगे। इस किताब में ऑथर मिस्टर टी हार्व एकर कहते हैं कि अगर आप अमीर और सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको ये देखना और समझना है कि वास्तव में अमीर लोग किसी काम को कैसे करते हैं और अमीरों के काम करने का क्या ढंग होता है, और सिंपली आपको भी अपने काम को और अपने बिजनेस में उसी ढंग से और उसी तरीके से काम करना है जैसे अमीर लोग करते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़रूर अमीर और सफल हो जाएंगे। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको अपने काम को अलग ढंग से करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, इसके अलावा भी इस किताब में और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो अमीर और सफल बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे दिमाग में पैसे के बारे में और सफलता के बारे में कुछ पहले से ब्लूप्रिंट होते हैं और हमारे दिमाग का ये ब्लूप्रिंट ही तय करता है कि हम अपनी लाइफ में कितना सक्सेस हासिल कर पाएंगे और कितनी दौलत हासिल कर पाएंगे। और अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित नहीं है तो चाहे आप कुछ भी सीख लें, कुछ भी काम कर लें, कोई भी बिजनेस कर लें और चाहे जितनी जानकारी हासिल कर लें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके लिए सफल होना और अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि आप अपने दिमाग के मनी प्रिंट यानी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से बदल नहीं लेते, तब तक आपके जीवन में फाइनेंशियल संघर्ष बना ही रहेगा। तो अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमारे मन में या हमारे माइंड में जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है वो कैसे काम करता है और कैसे हम इसे बदल सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सके, तो आपको ये किताब ज़रूर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट 4th नंबर की किताब की, और वो है रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड, और इस किताब के लेखक हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब आज तक की पर्सनल फाइनेंस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है और इस किताब की अब तक 3 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। और अगर बात करें कि इस किताब से आपको क्या सीखने को मिलता है, तो बेसिकली रिच डैड पुअर डैड ये बताती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। और इस किताब को पढ़ने से बेसिकली आप ये समझ पाते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। इसके अलावा ये किताब आपको ये भी बताती है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, रियल अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के बाद लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करते हैं और आप अमीर बन जाते हैं, तो
तो वहाँ पे आपके लिए टिके रहना ज़्यादा देर तक संभव नहीं होगा और हो सकता है आप वापस से उसी जगह पहुँच जाएँ जहाँ आप पहले थे। तो अगर आप फाइनेंशियली एजुकेट हैं और फिर आप अमीर बनते हैं तो आप लंबे समय तक अमीर बने रह सकते हैं। और इस किताब में और भी बहुत सारी बातें समझाई गई हैं, जैसे कि हम में से हर एक का अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, खुद का अपना एक इनकम स्टेटमेंट होता है, खुद का अपना एक बैलेंस शीट होता है, और हमें यह समझना होता है कि हमारे बैलेंस शीट और हमारे इनकम स्टेटमेंट में कैश फ्लो का जो संबंध है वो कैसा है, और बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट और लाइबिलिटीज है उसे भी हमें समझना होता है कि क्या हमारे पास जो संपत्ति है वो रियल एसेट है या फिर फेक एसेट है। और इसी तरह की बहुत सारी बातें आपको इस किताब में पढ़ने को मिलती है। जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा तो जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि इनकम तीन तरह के होते हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। और अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो उसे एक्टिव इनकम नहीं बल्कि पैसिव इनकम या फिर पोर्टफोलियो इनकम के लिए काम करना होगा। उसे ये समझना होगा कि कैसे एक्टिव इनकम को हम पैसिव इनकम या फिर पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वरना इससे पहले मुझे एक ही इनकम के बारे में पता था और वो है एक्टिव इनकम, यानी कि हम हार्ड वर्क करेंगे और हमें पैसे मिलेंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जबकि इस किताब के अंदर जो बातें बताई गई हैं एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम के बारे में, उससे ये समझ में आता है कि अमीर लोग वास्तव में पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि एक्टिव इनकम से जिंदगी के खर्चों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम की ज़रूरत होगी। और ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो आप इस किताब से सीख सकते हैं, जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि हमेशा उम्र भर आप पैसे के लिए काम करते रहे, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी बहुत सारी बातें सिखाती है और इस किताब ने लाखों लोगों का जीवन बदला है और हो सकता है कि ये आपके जीवन को भी पूरी तरह से बदल दे। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और इसे बताई गई बातों को ज़रूर समझें और जो भी काम की बातें लगे उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करें। और आइए अब बात करते हैं मेरी पर्सनल फेवरेट तीसरे नंबर की किताब के बारे में, और वो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका हिंदी नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस किताब के लेखक है मिस्टर नेपोलियन हिल। और अगर बात करें कि इस किताब से आपको क्या सीखने को मिलता है, तो दोस्तों इस किताब से आप थिंकिंग के पावर को समझ पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि हमारे दिमाग में आने वाले आइडिया और विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम जीवन में सफल और अमीर होना चाहते हैं तो हमारे मन में किस तरह के विचार होने चाहिए और किस तरह के विचार नहीं होने चाहिए। अगर एक लाइन में कहूँ तो ये किताब आपको बताती है कि आप आज दुनिया में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं जो इंसान ने बनाई है, उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक विचार से हुई थी, एक आइडिया से हुई थी। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपके हाथ में ये जो मोबाइल है ये कैसे बना, क्या ये अचानक से बन गया या फिर किसी आइडिया या थॉट या थिंकिंग से बना, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, सबसे पहले किसी के दिमाग में ये आइडिया आया था कि ऐसा कुछ मोबाइल होना चाहिए, और फिर वो आइडिया पे धीमे धीमे काम होता रहा और धीमे धीमे जो ये डेवलप होता रहा, तो वर्जन 1 वर्जन 2 करके आज हमारे पास ये मोबाइल हमारे हाथ में आया हुआ है, और फ्यूचर में जाने किस तरह के अपडेट्स आएंगे और कैसे मोबाइल आएंगे। और आप देखेंगे कि इस सब की शुरुआत जो हुई है वो हुई थी एक सिंपल आइडिया से, एक सिंपल विचार से, एक सिंपल थॉट से। आज दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की शुरुआत किससे हुई? विचार से, विजन से, थिंकिंग से। और सिर्फ बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं, आप छोटी से छोटी कंपनी की भी बात करो, और इवन आप इस बात पे भी विचार करो कि आप आज जो कुछ भी हैं और जो भी काम कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस काम को करने के बारे में कभी ना कभी सोचा था, और क्योंकि आपने कभी सोचा था कि आप कोई ना कोई काम करेंगे जहां से आपको पैसे मिलेंगे। तो हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में वो पावर होता है कि एक बार हम थॉट को अपने मन में बिठा लें और उस पर काम करते रहें तो हमारा थॉट रियलिटी बन जाता है, हकीकत बन जाता है। जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे मन में थॉट्स होंगे, वैसे ही हमारी दुनिया होगी। और यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है कि आपको अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, ये जानना है कि किस तरह से अच्छा सोचते हैं, और इसे सीखना है। और जब एक बार आप सीख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आइडिया और विचार कितने पावरफुल हैं, तो ये किताब आपको ये भी सिखाती है कि किसी आइडिया को हकीकत में कैसे बदलना है और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। ये किताब आपको पूरी जानकारी देती है। तो इस तरह अगर हम ध्यान से देखें तो ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर होना और सफल होना सिर्फ और सिर्फ एक विचार से शुरू होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि अमीर और सफल होने के लिए हमारे मन के विचारों को हकीकत में कैसे बदलना है और आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब सच में आपके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और आइए अब बात करते हैं
मेरी पर्सनल फेवरेट 5 किताबों में नंबर 2 की किताब की और वो किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जी हाँ दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और अगर हिंदी में कहें तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। और इस किताब के लेखक है मिस्टर जॉर्ज सी क्लासन। और अगर बात करें कि इस किताब से आपको क्या सीखने को मिलता है, तो दोस्तों ये किताब हमें पैसे से जुड़ी हुई बहुत ही बुनियादी और फंडामेंटल नियम को बताती है कि वास्तव में पैसा कैसे काम करता है, क्यों हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं और कैसे हमारे पास पैसे टिकना शुरू होंगे। तो इस तरह अगर एक लाइन में कहूँ तो अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं और इस किताब में बताए गए धन के नियमों को फॉलो करते हैं और उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और बेसिक नियम है, तो आपके पास पैसे टिकना शुरू हो जाएंगे। और जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसे आते हैं लेकिन जाने वो पैसे कहाँ चले जाते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आपके पास पैसे टिकना शुरू हो जाएंगे और आप आगे बेहतर फाइनेंशियल लाइफ जी पाएंगे। जो धन के नियम इसमें बताए गए हैं वो 5000 साल पुराने हैं, लेकिन वो नियम आज भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं और ये आगे भी काम करेंगे। तो ये धन का जो फंडामेंटल नियम है ये नहीं बदला है और ये कभी नहीं बदलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि उन धन के नियमों को सीखें तो आपको ये किताब बहुत ही खूबसूरत तरीके से अरकाद नाम के एक आदमी की कहानी के माध्यम से आपको पैसे से जुड़ी हुई सारी बेसिक बुनियादी बातों को सिखाती है। जैसे कि चाहे आप जितना भी कमाएं, कम से कम आपको 10% अपनी आमदनी का हिस्सा जरूर बचाना चाहिए और सिर्फ आपको वही बिजनेस करना चाहिए या फिर उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस बिजनेस को आप अच्छी तरह से जानते हो और जिस बिजनेस के ऊपर आपका कंट्रोल हो। और आपकी आमदनी बढ़ती है तो आपके खर्च भी बढ़ते हैं और आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपने अनावश्यक खर्चों के ऊपर जरूर कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही आप अगर ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं तो अपने स्किल्स और अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। अगर आप अपने स्किल्स और अपनी वैल्यूज को बढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे कमाल की बातें आप इस किताब से सीख पाएंगे। ये किताब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, आप इस किताब को 2 से 4 घंटे में पूरा पढ़ सकते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं और इस किताब में बताए धन के बुनियादी नियम को समझते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी हद तक बदल सकती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए। और दोस्तों आइए बात करते हैं मेरी पर्सनल फेवरेट नंबर 1 किताब की, और वो किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी हाँ दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और अगर हिंदी में कहें तो अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। और दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि मैंने अपने लिस्ट पे इस किताब को नंबर 1 पे क्यों रखा है। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी जानकारी हो, कितने भी आइडिया हो, लेकिन अगर हमारी आदतें सही नहीं हैं, अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, अगर हम टाइम को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपना मन किसी काम में नहीं टिका पा रहे हैं, तो फिर बड़े से बड़ा आइडिया भी बेकार साबित हो जाएगा, बड़ी से बड़ी जानकारी होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसीलिए इस किताब को मैंने नंबर 1 पे रखा है क्योंकि ये किताब हमें अच्छी आदतों के महत्व को समझाती है। वास्तव में अच्छी आदतें सफलता और अमीर होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बात को ये किताब समझाती है कि कैसे आपको अच्छी आदतें डेवलप करनी है जो आपको सफल, अमीर और प्रभावकारी बना सकती हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो हम में से हर आदमी, मैं, आप या कोई भी इंसान सफल और अमीर होना चाहता है। कोई भी इंसान जानबूझकर गरीब या असफल नहीं रहना चाहता। लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि हर आदमी सफल और अमीर नहीं हो पाता है? ऐसा क्यों होता है कि 100 में से सिर्फ 5 या 10 लोग ही लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं और सफल या अमीर बन पाते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि 90 से 95 लोग अपनी लाइफ में बस यूं ही औसत लाइफ ही जीने को मजबूर होते हैं? तो अगर आप सफल और असफल लोगों और गरीब और अमीर के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर देखेंगे वो है लोगों की आदतें। जी हाँ दोस्तों, ये आदतें ही होती हैं, ये हैबिट्स ही होता है जो वास्तव में डिसाइड करता है कि क्या हम लाइफ में सफल होंगे या असफल होंगे, क्या हम लाइफ में अमीर बनेंगे या गरीब ही रहेंगे। तो अगर हमारी आदतें अमीर और सफल लोगों की है, और भले ही आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, लेकिन अगर हमारी आदतें अमीर और सफल लोगों की है और इस आदत के साथ ही हम काम करते जा रहे हैं, तो एक दिन हम ज़रूर अमीर और सफल बन जाएंगे। लेकिन अगर हमारी आदत सही नहीं है और हमारी हैबिट्स सही नहीं है, तो चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे हम कुछ भी जान ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा और अंततः हमें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा और हम एक औसत एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होंगे। और यही कारण है कि मैं इस किताब को इतना इम्पोर्टेंट मानता हूँ और इस किताब को अपनी लिस्ट में मैंने नंबर 1 की जगह दी है। इस किताब से आप सिर्फ हैबिट्स या आदतों के बारे में नहीं, बल्कि लाइफ को कैसे सही ढंग से जीना है
और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे गोल सेटिंग करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों से संबंध बनाना है, कैसे आपको काम करना है, कैसे अपने मन के डर से निपटना है, और ऐसी बहुत सारी कमाल की बातें इस किताब में आपको बताई गई है। तो अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि हेल्थ के मामले में, पर्सनल लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में आपके लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये किताब आपकी लाइफ को कम्प्लीटली बदलने का दम रखती है। तो दोस्तों, ये है मेरी पर्सनल ऑल टाइम फेवरेट 5 किताबें। पहला 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दूसरा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तीसरा थिंक एंड ग्रो रिच, चौथा रिच डैड पुअर डैड और पांचवा द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन किताबों ने मेरी लाइफ को बदला है और आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये किताब आपके लाइफ को भी कम्प्लीटली बदल सकती है। शर्त यह है कि आप इन किताबों में लिखी हुई बातों को पढ़ें, सुने और अच्छे से समझें और जो भी काम की बातें लगे उनका नोट्स बनाएं और उन काम की बातों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये किताबें पहले ही पढ़ ली हो, तो अगर आपने ये किताब पहले से पढ़ी हुई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन किताबों में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्या आपने उस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव आए हैं या नहीं। और अगर आपने अब तक इस किताब को नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन किताबों को ज़रूर पढ़िए और बाद में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये किताबें कैसी लगी और आप इसमें से कौन सी बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहेंगे। ये सभी किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हो आप उस किताब को अमेजोन से खरीद सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा और आपको इसे वैल्यू मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।